हम बहुत सारा वीडियो में ये बात बहुत बार कह चुका हूँ कि स्टिकिंग प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पे ज़्यादा हम रिदिम पे फोकस करते हैं, क्योंकि रिदिम सुनने में बहुत अच्छा लगता है और रिदिम प्लेइंग में भी मज़ा आता है, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन हम जब स्टिकिंग प्रैक्टिस करते हैं वो बोर हो जाता है, इसीलिए हम लोग स्टिकिंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करता है और स्टिकिंग में फोकस नहीं करता है। तो आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्टिकिंग प्रैक्टिस अगर सही तरह से ना नहीं होगा तो फिर रिदिम में भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। सिर्फ रिदिम में नहीं, रोलिंग में भी प्रॉब्लम होगा। कैसे, सोचो कि कोई भी गाना है, ऐसा गाना है जिसमें हाई हैट ऐसे प्लेइंग हो रहा है, 1 ई एंड 2 ई एंड 3, और रिदिम बहुत सो जाए, ढिक टाक ढिक टाक, ऐसे बहुत सो जाए रिदिम है, तो कैसे है? अगर कोई भी गाना ऐसे होता है, 4-5 मिनट का गाना होता है, और उस गाने में अगर सोचो कि ब्रेक नहीं आए, कोई गाना स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ, ये गाना तो बीच में आप लोग रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बंद हो जाएगा। तो स्टिकिंग अगर सही तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ये चलेगा राइट हैंड में, आ रहा रा रा रा, मतलब 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड, ये कंटिन्यू होगा। अगर स्टिकिंग में फोकस नहीं होगा तो फिर ये रिदिम आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम में हो सकता है पूरा गाना में बजने के लिए। और तब क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा फाकीबाजी कर देता है, इसको 16 नोट को 8 नोट में कन्वर्ट करता है, 1 एंड 2 एंड, जैसे मतलब हम पहले बजा रहता, बहुत हाथ दर्द हो रहा है, तो हम इसी रिदिम में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है स्टिकिंग घंटा पे घंटा स्टिकिंग प्रैक्टिस करो। पता है ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन यही मेन काम पे आएगा। ये गया तो राइट हैंड प्रैक्टिस का मतलब ये, अभी लेफ्ट हैंड ये क्यों ज़रूरी है? सोचो कि ऐसा गाना का पैच बनाया जिसका साउंड बहुत साउंड यूज़ हुआ है, और इसको ऐसे प्लेइंग हो रहा है, ढिक टटुम टू डू डू, ढिक टटुम टू डू डू, ढिक टटुम टू डू डू, तो और हाई हैट भी ऐसे चल रहा है, तो फिर क्या करोगे, कैसे प्ले करोगे? अगर ये प्रैक्टिस नहीं हुआ ठीक तरह से तो फिर ये रिदिम बजने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो गाना होता है, हम लोग क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्रॉस पैच कर लेता है, मतलब पूरा घुमा के इधर उधर साउंड करके हम लोग क्रॉस पर क्या करता है, और हम स्टेज पे कैसे बजाते हैं, सुनने में सेम जैसे ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सुनने में सेम जैसे लगेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस रुक जाएगा। बाद में क्या होगा, ऐसा कोई गाना है जिसमें अच्छा सा रोलिंग हो, अच्छा सा पिकअप हो, तब जाके आपको हैबिट हो गया ना, ये टेम्पो और ये आरेल आरेल आपका हैबिट हो गया, साउंड इधर उधर कर लिया, बस बात खत्म। लेकिन जब ऐसा भी कोई गाना आएगा जो सोचो के धमाकेदार कुछ गाना आएगा, तब आप क्रॉस पैच में भी नहीं होगा, आपका रोलिंग नहीं होगा, आपका रिदिम नहीं होगा, आपका पैटर्न नहीं होगा, तो मेन प्रॉब्लम इधर हो जाएगा। वो गाना तो आपका निकल गया, ढिक टटुम टू डू ढिक टटुम टू डू ढिक टटुम, क्रॉस कर लिया। ऐसे अगर पर ढिक 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 ढिक, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करोगे, बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि स्टिकिंग बहुत प्रैक्टिस करो। ये देखो लेफ्ट हैंड अगर ऐसे चलेगा तो कोई भी पैटर्न, ऐसे आप प्ले कर सकते हो। अब हम लोग क्रॉस पैच भी प्ले करते हैं ना, ढिक चिक ढक चिक ढिक चिक ढक चिक, तो वो क्रॉस कर लेता है ना, ढिक चिक ढक चिक ढिक चिक, साउंड कर लिया इधर बेस ड्रम इधर बेस ड्रम,
हर लोग करता है अक्टूबर में, ढिकचिक ढकचिक ढिकचिक ढकचिक, तब जाके हम जो जब पिकअप लेता है सोचो के टक 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 टक, सोचो टक 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 ऐसे पिकअप लेता है, तब हम लोग क्या करते हैं देखो, इधर सोचो एक हाइट ले लिया, हम लोग ऐसे प्लेइंग करता है। लेकिन क्या हुआ आखिर में वो रिदम छूट गया रोलिंग के टाइप, ठीक है, सोचो के हम रिदम भी चलाएंगे और रोलिंग भी लेंगे, और सोचो रिदम के साथ साथ और भी कुछ पैटर्न है, ढिकचिक ढकचिक ढिकचिक ढकचिक, इसके साथ टक टक टू टू टक 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 टू टक 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 टक, तब आपको लेफ्ट हैंड कैसे कम में आएगा देखो, ढिकचिक ढकचिक ऐसे है, ये जब आप ऑक्टोपैड में बजाओगे माने टका टका टक चिकी टक 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 चिकी टक 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 टक, ये लेफ्ट में चल रहा है टका टका टक ढिकी टक 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 ढिकी टक 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 ढिकी टक टक टक, और ढिकचिक ढकचिक ढिक, अब दोनों मिला के जब सुनेंगे तो मतलब वो बढ़िया लगेगा। और इसको प्लेइंग करने के लिए आपको दोनों हाथ का स्टिकिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बहुत सारा वीडियो में बहुत सारा स्टिकिंग दिया है, घर में प्रैक्टिस करो, आर 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 एल 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 आर 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 एल 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 आर आर एल एल आर एल आर एल, ओके आर एल आर एल आर आर एल आर आर एल एल हो गया ट्रिपलेट्स। उसके बाद आर 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 एल 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 एल, फिर बिंदास बजाओ, तो ये स्टिकिंग प्रैक्टिस आप लोग करते जाओ, आपको रिदम और रोलिंग दोनों में बहुत डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसे लगा ये क्लास, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। नमस्कार।